उसका बहुत बड़ा होता था लेकिन उसने भी तो गोलमा देखा और वो गोलमा वो गोलमा देवी जो लक्ष्मी का रूप है आज भी तिरुविला जी की नागरी चल रही है तो उस लक्ष्मी की वजह से चल रही है उस गोलमा देवी की वजह से चल रही है लोग कहते हैं जो किरोड़ीलाल जी घर नहीं जाते थे महीनों तक इधर उधर घूमते थे तो जब लोग किरोड़ीलाल जी के बंगले के बाहर सड़क पर जाते थे तो गोलमा देवी किसी को भूखे पेट नहीं आने देती किसी को बिना पानी पिलाए बिना चाय पिलाए नहीं आने देती थी अरे आप किसको ये बोल रहे हैं मेरे दोस्तों बड़ा जाकर तुम दंत में साबित हो आपके कुशल से पूछे आपके जन्म मरण में आपने पीठ बनाए लेकिन मैं कहना चाहता हूँ देवली उड़ियाना में एक प्याज में बता दो जिसने हरीश मीणा का घर देखा हो एक कार्यालय खोल रखा है जवाहर सर्किल में एक जवाहर सर्किल में कार्यालय खोल रखा है वहां भी उस टाइम से आते हैं इतने बजे आना आम आदमी फोन नहीं कर सकता आम आदमी हरीश मीणा को फोन नहीं कर सकता और फिर यहाँ किसको काम से बना रखा है हरीश मीणा से काम बढ़कर किसके पास जाओ एक जेल ड्राम मास्टर लगा रखा है मुकामर वास्ते ना कर एक जेल ड्राम मास्टर अगर किसी को तबादला करवाना है किसी को कोई काम है तो हरीश मीणा को आगे चल किसके पास जाओगे जेल ड्राम मास्टर साहब के पास जाओ और जेल ड्राम मास्टर साहब शाम को 7 बजे गए इसलिए मेरी माताओं बहनों ये जो हरीश मीणा ने टिकट दिया है ये टिकट आपको कांग्रेस के नाम से तो बोल देते हो 5 मिनट लो लेकिन जिस व्यक्ति को बीजेपी टिकट दिया हरीश मीणा ने वो 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी के नारे लगा वो कैसे मिला 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी के नारे लगा था भारतीय जनता पार्टी के नारे लगा था उस हरीश मीणा को कांग्रेस में कोई व्यक्ति नजर नहीं आया उसने उस देसी मीणा को दिया जिसने बड़े पद पर नौकरी करी और नौकरी करके रिश्वत का पैसा कमाया भ्रष्टाचार से पैसा कमाया बड़ा मान कमा लिया और हरीश मीणा को क्या चाहिए था उसको बड़ा बैंक मिल गया ऐसा बैंक केस से मिल गया जिसमें बजट बहुत था अब हमारे पास बजट का बैंक नहीं था उस बजटधारी केसी को टिकट केसी को टिकट पैसे से मिला केसी को टिकट इस बात का मिला कि पिछली बार जब हरीश मीणा चुनाव लड़ा 2023 में उनके सामने विजय भैंसला जी चुनाव लड़े विजय भैंसला जी को हराने के लिए जो बीजेपी का कैंडिडेट है राजेंद्र गुर्जर उसने पूरी ताकत लगाई हरीश मीणा की मदद करी और अब हरीश मीणा उस राजेंद्र गुर्जर की मदद करना चाहता है उस केसी मीणा को भी मदद पैसा उसका ले लिया टिकट उसको दिला दिया कि ये तो वैसे हार जाएगा और मैं राजेंद्र गुर्जर की मदद कर दूंगा फिर इस बार राजेंद्र गुर्जर चुनाव जीत जाएगा और 2028 में फिर मैं वापस देवी मीणा में जाऊंगा और लोकल कहूंगा कि देखो तुम लोकल मांगते तुम इस स्थानीय कैंडिडेट मांगते थे मैंने तुम्हें स्थानीय कैंडिडेट दे दिया मैंने तुम्हें लोकल कैंडिडेट दे दिया मैंने तुम्हें केसी मीणा दे दिया अब तुमने केसी मीणा को हरा दिया इसलिए अब लोकलों में दम नहीं है स्थानीय कैंडिडेट में दम नहीं है इसलिए वापिस 2028 हरीश मीणा जी लेकिन बाबा मैं नहीं जाता तेरी बातें कौन बता बाबा मैं नहीं जाता तेरी बातें कौन बताता कौन कहता कि हरीश मीणा कौन है कौन कहता कि हरीश मीणा वो जिसने नरेंद्र मोदी की हत्या करी हरीश मीणा वो है जिसने आज भी बाबू रोज की शक्ल नहीं देखी मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये नरेश मीणा वो शख्स है जिसने वंशवाद और परिवार का पिता अपनी आवाज को बुलंद किया इस नरेश मीणा ने अगर नरेश मीणा नहीं होता तो आपके यहाँ से हनुमंत चुनाव लड़ता हरीश का छोरा और उधर मुरारी और लाली चुनाव लड़ती और निहारी का चुनाव वहां से लड़ती लेकिन नरेश के डर के मारे ना तो यहाँ वो हनुमंत लड़ पाया ना लाली निहारी का लड़ पाई और मेरी इच्छा यही है अगर आप लोगों ने मुझे मेरे बना दिया अगर देवी मीणा की जनता से लड़ ने अपने बेटे को मेरे बना दिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ 4 साल बाद में इतने सारे नरेश मीणा पैदा कर दूंगा इतने सारे नरेश मीणा पैदा कर दूंगा तो इस देवी मीणा की धरती पर पैदा कर दूंगा तो कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर यहाँ नजर नहीं डालेगा अगली बार में जो बनेगा तो देवी मीणा का बनेगा और मैं 4 साल बाद अगर विधायक बन गया तो छोड़कर चला जाऊंगा ये मैं आपसे मंदिर में वादा रखता हूँ अगर मेरा मेमन ने बना दिया 4 साल आपकी सेवा करूंगा और 4 साल बाद में देवी मीणा के किसी युवा को आगे बढ़ाते हुए उसके बाद उसके गले में माला डाल के नरेश मीणा उसको संपूर्ण देवी मीणा के लोगों के बीच में सड़ा जाएगा और खुद जम छबड़ा चलाएगा और इसके साथ ऐसा ही अगर आप
आपके बेटे को आपने मेरे बड़ा दिया तो मैं आपसे वादा करता हूं संभालता हूं ये जो रेत की जो बना से रेत आती है बदली आती है जो बड़े बड़े मुजरिम आ गया टंपल चल रहे जैसी भी चल रही है एलएनटी चल रही है और आम गांव के किसान को आम व्यक्ति को एक टोली रेत नहीं मिल रही एक टोली पत्थर नहीं मिल रहा मैं आपको गारंटी दे रहा हूं मुझे एमएलए बना दो पहले किसान को समझी जाएगी उसके बाद में फसल भरेगी उसके बाद में टंपल भरेंगे लेकिन मैं अधिकार हूं क्या आपसे कहना चाहता हूं मेरी माता मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आप अपने इस बेटे को एमएलए बना दिया तो थानेदार की डिप्टी की औकात नहीं है तो थाने में किसी से एक रुपया मांग रहे मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैं भी मेरा बढ़ा दो ये जो चाहिए नहीं है ये जो बिजली डिपार्टमेंट में बैठे हैं जो खंभे के नाम से पैसे मांगते हैं लाइट के नाम से पैसे मांगते हैं जो कनेक्शन के नाम पर पैसे मांगते हैं ये आई एन जाइए एक रुपया नहीं मांग सकते ये जो पटवार में नंबर के नाम पर पैसे मांगते हैं उनके उन पटवारों का इलाज कर दूंगा एक बार मैंने बढ़ा दो भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा जो स्वच्छता का भ्रष्टाचार हो रहा है उसको नरेश मीणा खत्म कर देगा तो नरेश मीणा एमएलए बनने के बाद किसी थानादार ने किसी तहसीलदार ने किसी पटवारी ने किसी अगर किसी ने किसान से एक रुपया ले लिया तो उसको खदेड़ के बिठा के डाला मैं आपके बीच में आया आपके बीच में आया छोली पिला के आपके बीच में आया नंगे पैर हूं और मैंने ये बोला तेरी माता हूं जब मेरे पे नेताओं ने भरोसा छोड़ दिया पार्टी ने मुझे छोड़ दिया तो मैं भगवान के दरबार में गया खाटू श्याम जी से मैंने निवेदन किया अर्जी लगाए है खाटू बाबा है हरे के सहारे अब इस बेटे को तंत्र देते हैं इस पर बाबा सुना खाटू श्याम जी इस नरेश को शक्ति दे ताकि ये लड़ सके अगर खाटू बाबा के आशीर्वाद से बजरंग बली के आशीर्वाद से भगवान देवनारायण के आशीर्वाद से भगवान मेजाजी के आशीर्वाद से धनीधर महाराज के आशीर्वाद से वीर भगवान के आशीर्वाद से और आप चंदन जनार्दन के आशीर्वाद से अगर नरेश मिला है मेरे बुला तो सीधा टोंक से एमएलए बनने की घोषणा के बाद पैदल 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 खाटू श्याम जी के दरबार में हाजिर करने बालापुरा वोट देता तो ठोके देता है एक तरफा देता है 100 में से 100% देता है बालापुरा और रोशनपुरा ये गांव फेमस है देवरी में मैं रोशनपुरा गया था रोशनपुरा ने जिस तरह से मेरा स्वागत किया सत्कार किया वो आपसे अच्छे आपसे नहीं था रोशनपुरा वालों ने कहा भाई साहब एक वोट नहीं करना एक वोट नहीं जाने देंगे कोई ठोकरा इधर उधर हो रहा होगा कोई ठोकरा को समझ में नहीं आ रहा होगा वो सोता रह जाएगा उसके बदले ठोके आएंगे जहां भी आपकी रिश्तेदारी आप वोट दो और उनसे कहो इस बच्चे को वोट दो इस बेटे को पार्टी को वोट देते हो तो 70 साल हो गए कई बार कांग्रेस बीजेपी एक बार आपके बेटे का नाम लो इसी तरह आपकी तरह एक बेटा जो रविंद्र भाटी था उसको किसी से भर भर के लोगों ने इसलिए बनाकर भेज दिया आज रविंद्र भाटी का नाम पूरे देश में हो रहा है अगर आप लोगों ने भी नरेश बेटे को मेरे मेरे बना दिया तो आपके बेटे का नाम भी सचिन पायलट हो जाएगा आपके समाज में भी क्यों जाते पैदा हो आप जाते हो आपके समाज में भी अपनी पारंपरिक का बड़ा नेता पैदा हो आप जाते हो आपके समाज में भी हनुमान में जो अच्छे से बड़ा नेता पैदा हो आप तो मेरे का बहुत सारा मैं सब बन सकता हूँ मुझे आपके बहुत बहुत धन्यवाद